हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीटेक कट ऑफ के बारे में, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे 2019 और 2020 की कट ऑफ का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट ब्रांच हेयर इज सिविल इंजीनियरिंग। लेफ्ट साइड पे जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये है राउंड वन की 2019 की कट ऑफ, और राइट साइड पे जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये है 2020 की कट ऑफ। सो इन दोनों में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज जनरल। जनरल के लिए जो फर्स्ट कट ऑफ थी 2019 में वो थी 18,134। ये ओपनिंग रैंक है और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है CRL, यानी कि ये जो रैंकिंग है ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ये आपकी CRL रैंक है। 2019 में ये 18,000 थी, जबकि अगर हम 2020 में देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो स्टार्टिंग कट ऑफ थी वो थी 22,000, यानी कि यहाँ पे 4,000 का डिफरेंस दिख रहा है। और इससे हमें पता चलता है कि 2019 में जो स्टार्टिंग की कट ऑफ थी वो काफ़ी हाई थी एज़ कम्पेयर टू 2020। इसके बाद हम सेकेंड कैटेगरी पर आ जाते हैं, जो है मुस्लिम माइनॉरिटी। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जो ओपनिंग रैंक थी 2019 में वो थी 31,362, और इसको अगर हम कंपेयर करें 2020 से तो यहाँ पे हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 2019 में ये 31,000 थी और 2020 में भी ये 31,000 ही है, सिर्फ 100 और 200 का डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद हम थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं। सो द थर्ड कैटेगरी इज़ मुस्लिम ओबीसी और एसटी। मुस्लिम ओबीसी के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो है 35,858, और 2020 में जो कट ऑफ है वो है 34,982। बहुत कम डिफरेंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, 35,000 और 34,000 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मुस्लिम वुमेन। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ यहाँ के रिजर्वेशन के बारे में, किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन होता है वो बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं बताती हूँ मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जामिया में 30% रिजर्वेशन रहता है। वहीं अगर हम मुस्लिम ओबीसी और एसटी के बारे में देखें तो यहाँ पे 10% रिजर्वेशन रहता है। सो इसके बाद जो कैटेगरी है वो है मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जामिया में 10% रिजर्वेशन रहता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ जामिया इंटरनल। जामिया इंटरनल के लिए 5% रिजर्वेशन रहता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से जो 5% सीट्स हैं वो जामिया इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वड होती है। और ठीक इसी तरह PWD में जितनी भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, सबके लिए यहाँ पे 5% रिजर्वेशन रहता है। और इसके बाद आता है कश्मीरी माइग्रेंट्स। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी जामिया में 5% रिजर्वेशन होता है, यानी कि जो लोग कश्मीर से माइग्रेट हुए हैं उनके लिए 5% सीट्स रिजर्वड है जामिया में। तो चलिए वापस से हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं। मुस्लिम वुमेन के लिए यहाँ पे जो 2019 में ओपनिंग रैंक थी वो थी 81,000, और 2020 में वही रैंक डिक्रीज हो गई थी और वो हो गई थी 86,000। तो यहाँ पे दोनों रैंक्स में 5,000 का डिफरेंस दिख रहा है। इसके बाद है जामिया इंटरनल, यहाँ पे है 89,000, जबकि यहाँ पर 2020 में है 67,000। आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। और इसके बाद आते हैं PWD कैटेगरीज। PWD के लिए जामिया में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है, आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है अगर आप डिसेंट रैंक भी ले आते हैं, और अगर आपकी रैंक काफ़ी लो भी है तो भी आपका एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख तक भी गई है इसकी कट ऑफ, और 2020 में भी सेम ही है लगभग। तो इसके बाद आ जाते हैं JK और KM कैटेगरीज पे। यहाँ पे 57,000 है जबकि 2020 में 69,000 है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंस है, अराउंड 12,000 का। और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए यहाँ पर 2,65,000 है जबकि 2020 में 2,70,000 है, यानी कि 5,000 का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। सो ये तो बात हो गई सिविल इंजीनियरिंग के लिए दोनों कट ऑफ का कंपैरिजन। 2019 में थोड़ा हाई हमें देखने को मिलता है स्पेशली जनरल के लिए, वहीं कुछ कैटेगरीज के लिए हमें लो भी देखने को मिलता है, जैसे कि जामिया इंटरनल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच विच इज़ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है आजकल, और इसीलिए मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट देख रहे हैं आजकल टेक्निकल फील्ड्स में जो प्लेसमेंट्स हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, और इसीलिए ये ब्रांच सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है मोस्टली। और क्योंकि ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसीलिए इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। आप जनरल में देखिए 2019 में जनरल कैटेगरी के लिए ये थी 8,216। आप देख ही सकते हैं कितनी हाई कट ऑफ है ये 8,000 2019 में, और 2020 में देखें तो ये थी 6,225, तो ये 2019 से भी काफ़ी हाई हो गई। ऐसे ही अगर हम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए देखें
यहाँ पे 13,000 है और 2020 में 12,000। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट स्टिल 2019 से हाई है यहाँ पे। 2020 में सारी ही कट ऑफ हाई है। यहाँ पे आप जितनी भी कैटेगरीज के लिए देखिए, जैसे मुस्लिम ओबीसी में 17,000 है और यहाँ पे 19,000 है। इसके बाद अगर हम देखें मुस्लिम वुमेन के लिए 46,000 और यहाँ पर 39,000, और जामिया इंटरनल 54,000 और 31,000। आप देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 23,000 का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आ जाती है पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज, इनके लिए कट ऑफ आप देख ही रहे हैं 63,000, 53,000, यहाँ पर है 1,12,000 जबकि यहाँ पर है 1,41,000। इसके बाद 66,000 एंड 1,18,000। इसके बाद आ जाती है जे के और के एम कैटेगरीज, यानी कि जम्मू कश्मीर और कश्मीरी माइग्रेंट्स। जे के में आप 2019 की कट ऑफ देखिए 40,000 और 2020 की कट ऑफ देखिए 27,000। यहाँ पे भी हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कश्मीरी माइग्रेंट्स में यहाँ पे 1,12,000 है और यहाँ पर है 1,19,000। ओवरऑल अगर हम देखें 2020 में जो कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ थी वो काफ़ी हाई जा रही थी एज़ कम्पेयर टू 2019, और जो टोटल सीट्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा फास्टली कंप्यूटर साइंस के लिए ही फिल होती हैं। तो जामिया में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ब्रांच विच इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका हम कंपैरिजन देख लेते हैं 2019 और 2020 के लिए। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ देखिए आप जनरल के लिए, आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में ही वो 16,000 है। 2019 में 16,119 है और 2020 में 16,987 है। तो आप देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, जनरल के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए देखिए 27,000 जबकि 2020 में है 24,000। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 2020 की कट ऑफ जो है वो हाई है एज कम्पेयर टू 2019। इसके बाद ओबीसी का देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 30,000 है और वहीं 2020 में 27,000 है। सो यहाँ पे भी 2,000 और 3,000 का डिफरेंस है। इसके बाद मुस्लिम वुमेन का देखिए 72,136 और यहाँ पर है 74,000, सिमिलर 2,000 का डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद जामिया इंटरनल का देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है जो कि 20,000 से भी ज़्यादा है। 2020 में 56,000 है जो कि काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू 2019 जहाँ पे 82,990 है। इसके बाद आ जाती है पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में जनरली 1,00,000 से ऊपर ही होती है सारी कट ऑफ्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जे के और के एम कैटेगरीज, यहाँ पे भी काफी सारा डिफरेंस दिख रहा है क्योंकि आप देखिए 2019 में 52,000 थी और 2020 में वही कट ऑफ 65,000 हो गई। सो ओवरऑल हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अगर देखें तो कई कैटेगरीज के लिए हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है जबकि कुछ कैटेगरीज के लिए काफी हाई डिफरेंस है, और 2020 यानी कि लास्ट ईयर में काफी हाई हुई है इस ब्रांच की कट ऑफ। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे जो कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पर देखिए जनरल 16,000 एंड हेयर इज 19,000, तो 3,000 का डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद देखिए 29,000 और 28,000। इसके बाद जो कैटेगरी है वो मुस्लिम ओबीसी 34,000 और यहाँ पर है 30,000। इसके बाद है मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम वुमेन में जामिया में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है लड़कियों को, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 78,000 है और यहाँ पर है 81,000। इसके बाद आ जाते हैं जामिया इंटरनल पे, 2019 में 70,000 थी और यहाँ पर 60,000, ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज़्यादा का डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज आ जाती हैं। सो इस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद है जेके और केएम, यहाँ पर देखिए 65,000 है और यहाँ पर 69,000, 4,000 का डिफरेंस है ऑलमोस्ट यहाँ पे। सिमिलरली फॉर केएम, यहाँ पर 2,15,000 है और यहाँ पर 2,06,000 है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए अब हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। जनरल के लिए जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 14,000 और वहीं यहाँ पर है 13,000। इसके बाद है मुस्लिम कैटेगरी, यहाँ पर 22,000 है जबकि यहाँ पर ये हाई हो गई और 20,000 हो गई। इसके बाद है मुस्लिम ओबीसी और एसटी, ये है 26,000 और ये है 25,000। तो इसके बाद हम मुस्लिम वुमेन की कट ऑफ देखें तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा मुझे। 2019 में भी ये 61,000 थी और 2020 में भी ये 61,000 थी, सिर्फ 200 और 300 का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। इसके बाद अगर हम जामिया इंटरनल की बात करें, 74,000 और 2020 में ये 47,000 हो गई थी, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, ऑलमोस्ट 30,000 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो इसके बाद आ जाती हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज, कट ऑफ स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, मोस्टली ये 1,00,000 के ऊपर होती है जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इसके बाद है जे के और के एम कैटेगरीज, यहाँ पर है 44,000 और यहाँ पर 59,000 है,
कश्मीरी माइग्रेंट के बारे में अगर हम बात करें तो 2020 में 1,69,000 थी और 2019 में 1,24,000 थी, यानी कि 40,000 का यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है। और पिछली ब्रांचेस में भी हमने देखा कि जेके और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो कट ऑफ है वो 2020 में काफ़ी लो रही है एज़ कम्पेयर टू 2019। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्लाइट आइडिया लग गया होगा कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं कट ऑफ में और कट ऑफ में हर साल कितना ऊपर नीचे होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए, और क्या मुझे इस कंपैरिजन पे और वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।